हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज माई ने वेलकम यू ऑल टू दी एम एम अकेडमी आज मैं स्टार्ट करूंगी परसेंटेज का नया सेट जिसमें मैं प्योरली कराऊंगी आपको इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी गई हो अभी तक के क्वेश्चन में तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं ओके ये मेरी इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम आई है और आप हमारा एम एम अकेडमी ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर बहुत सिंपल प्रोसेस है आपको सिंपली टाइप करना है एम एम ऐप आपको लोगो डिस्प्ले होगा जो यहाँ है देन उसके बाद आप साइन अप करेंगे साइनअप करने के बाद आपको फ्री वीडियो

वन बाय सिक्स के बराबर होता है तो देखिए इसका आप क्या करेंगे वन बाय सिक्स निकालेंगे तो देखिए आपको इतना सारा नहीं करना है अगर आप ये करेंगे तो आपके रेशियोज आप अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाएंगे अब इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आप कंसीडर करो यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने लिस्ट में सपोज सिक्स हंड्रेड क्या है वोटर्स हैं ये आपने क्या कर दिया अज्यूम कर लिया ठीक है अब उसमें से बोला गया सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट वोट क्या है इनवैलिड है तो मतलब आपके वन बाय ऑफ सिक्स हंड्रेड वोट क्या है इनवैलिड है ओके okay, तो वैलिड वोट कितने हो हो जाएंगे by of total 600 votes हो जाएंगे ऑफ टोटल वोट्स तो ये सिक्स से सिक्स किया ये हंड्रेड बन गया तो आपके टोटल वैलिड वोट कितने कहलाए पांच सो वैलिड वोट कहलाए तो छह सो आपके क्या है टोटल वोट्स हैं ओके अब इन टोटल वोट से माना गया कि पांच सो वोट क्या है आपके वैलिड वोट है ओके okay, तो ये आपके मेन वैलिड वोट हो गए अब उसमें से बोला गया कि तीन कैंडिडेट हैं यहाँ पे एक कैंडिडेट ए है दूसरा कैंडिडेट बी है और तीसरा कैंडिडेट सी है इनको वोट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इलेवन रेशो नाइन रेशो फाइव में डिस्ट्रीब्यूट करें मतलब इलेवन एक्स नाइन एक्स और फाइव एक्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए अब यहाँ एक कंडीशन दी है इफ देयर वर नो इनवैलिड वोट्स अब देखिए अगर कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता मतलब अगर टोटल वोट्स थे कितने आपके टोटल वोटर्स थे आपके 600 इनमें से 600 के 600 क्या हो गए आपके वैलिड वोट्स कहला गए ये आपकी एक कंडीशन है ठीक है अगर ये वाला केस हुआ तो वोट्स वर डिवाइडेड इन सेम रेशो यही वोट्स क्या सेम रेशो में डिवाइड होंगे मतलब ए रेशो बी रेशो सी इनका रेशो कैसा हो जाएगा इलेवन एस टू नाइन टू फाइव रेशो में रहेगा ओके okay, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या बोली गई देन सी वुड तो अगर ऐसा हुआ तो जो सी है सी के वोट कितने हैं 5x है अब इस केस में सी को 175 सेवेंटी वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस मतलब ये जो पहला वाला केस था और अब जो ये न्यू केस बना है इनमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा 175 सेवनटी वोट्स का आ जाएगा ओके okay, तो देखिए सबसे पहले यहां पे आप सी की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल लीजिए अब कैसे देखिए इन सबको ऐड करिए तो देखिए इलेवन एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स ये कितना हो गया आपका ट्वेंटी फाइव एक्स अभी ट्वेंटी फाइव एक्स किसके बराबर होगा टोटल वैलिड वोट यहां पे जितने हैं कितने पाँच सौ के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से ट्वेंटी आ जाएगी यहाँ पुट कर दो तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर c कितने हो जाएंगे ट्वेंटी इंटू फाइव इज हंड्रेड वोट्स कहला जाएंगे तो यहाँ पे c के पास कितने वोट्स हैं हंड्रेड वोट्स हैं अब ये वाला केस लेके देखो तो देखिए इसमें भी ऐड करके देखो ये कितना आ रहा है आपका ट्वेंटी फाइव ही आएगा ट्वेंटी फाइव एक्स तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव एक्स इसके बराबर होगा ये छः सौ के बराबर होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से ट्वेंटी फोर आ गई ओके अभी 24 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्योंकि आपको सी के वोटेंटी फोर इन टू फाइव ये कितना आपका वन टू जीरो आ जाएगा ओके तो वन टू जीरो सेकेंड केस में सी के नंबर ऑफ वोट्स और फर्स्ट केस में कितने हैं हंड्रेड वोट्स हो गए ओके अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है वन सेवेंटी फाइव वोट्स आ रहा है ओके अच्छे से देखिए फर्स्ट केस में सी के पास वोट कितने आ रहे हैं हंड्रेड वोट्स आ रहे हैं और सेकेंड केस में सी के वोट कितने आ रहे हैं वन ट्वेंटी वोट्स आ रहे हैं इनका आपस में डिफरेंस कितने का आ रहा है प्लस वन सेवेंटी फाइव वोट्स का आ रहा है ओके okay? यहाँ पे पीछे वी बना लो जिसमें आप कन्फ्यूज ना हो ठीक है तो देखिए इनके बीच में आपस में वोट का डिफरेंस कितना है ट्वेंटी का डिफरेंस है यहाँ पे आप इसको टाइमिंग ले ले लेते हैं तो देखिए ट्वेंटी होते हैं वन सेवेंटी फाइव के बराबर होते हैं तो एक वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी लेकिन आपको कितने की वैल्यू निकालनी निकाल है आपको निकालनी है तो टोटल छह सौ वोट की वैल्यू क्योंकि आप इनिशियल केस में क्या कंसिडर कर रहे थे छह सौ वोट कंसिडर कर रहे थे तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने सिक्स हंड्रेड वोट से मल्टीप्लाई कर दिया ओके okay, तो यहां भी ट्वेंटी वन से चला गया और ट्वेंटी थर्टी से चला गया ओके okay, अब थ्री डबल जीरो को मल्टीप्लाई किया वन सेवन से तो आपका वैल्यू कितनी आ गई फोर टू फाइव जीरो आ गई अभी जो फोर टू फाइव जीरो है यही क्या कहला जाएंगे एक्चुअल आपके जो वोटर्स थे उनकी लिस्ट कहला जाएगी तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज नन ऑफ दिस ओके तो आप क्लियर कट एक बार और समझ लीजिए टोटल वोटर्स कितने कंसिडर किए थे आपने सिक्स वोटर्स कंसिडर किए थे जिसमें से क्या हुआ वन बाय ने क्या किया वोट नहीं देने गए ओके okay, तो बचे कितने फाइव बाय तो इसका फाइव बाय कितना हो गया कहला तो अब इनको क्या? किया गया? A, B, और फाइव रेशो, 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 रेशो में किया गया अब जो सेकेंड केस देखो सेकेंड केस में क्या हुआ सारे ही वैलिड वोट है मतलब पूरे छ सौ वेलिड वोट कहला गए और अमंग ए बी सी डिस्ट्रीब्यूट भी हुए अब कितने सेम रेशो में इलेवन एक्स नाइन एक्स और फाइव एक्स के वैल्यू में अब देखिए यहाँ पे ट्वेंटी फाइव एक्स की वैल्यू किसके बराबर आती है इनको जब सम करते हो सिक्स हंड्रेड के बराबर आती है तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे ट्वेंटी फोर के बराबर आती है ओके तो सी के वोट कितने ट्वेंटी फोर इंटू फाइव तो यहाँ पे सी के वोट कितने ट्वेंटी फोर इंटू फाइव विच इज वन ट्वेंटी वोट्स कहलाए ओके अब इस केस में करके देखो तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव एक्स की वैल्यू किसके बराबर आती है फाइव हंड्रेड के बराबर आती है 500 हंड्रेड वोट्स के तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे ट्वेंटी वी के बराबर आ जाती है ओके अब यहाँ पे सब्सिट्यूट करो तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे सी के नंबर ऑफ वोट्स हो रहे हैं यहाँ पे हंड्रेड वोट्स ओके अब आपको दिया कि प्रीवियस केस के और अभी के केस के बीच में डिफरेंस कितने वोट्स का आ रहा है 175 वोट्स का आ रहा है ओके तो यहाँ पे 20v वी

अब यहाँ भी सेम कंसेप्ट है समझिए अब यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन किससे हो रहा है तीन कैंडिडेट्स के बीच में अमंग वोट बट रहे हैं तो आपने मान लिया तीन कैंडिडेट्स हैं एक है ए दूसरा है बी और तीसरा है सी ए के सबसे ज्यादा वोट्स हैं बी के सबसे कम वोट्स हैं तो ये कौन सा हो गया लीस्ट पार्टी मतलब इसके सबसे कम वोट्स होंगे ये क्या हो जाएगा विनिंग पार्टी और ये कौन सा हो जाएगा आपकी मिडिल पार्टी ओके अब आप कंसिडर क्या करते हैं कि हंड्रेड आपके क्या है टोटल वोट्स हैं है ना अब हंड्रेड परसेंट में बोला गया कि बीस परसेंट क्या हुए वोट देने नहीं गए ओके तो इनरोल कितने थे आपके इनरोल आपके टोटल हंड्रेड से जिसमें से बीस परसेंट क्या वोट देने नहीं गए तो एक्चुअल में वोट देने कितने लोग गए अस्सी परसेंट वोट देने गए तो ये क्या हो गए आपके कास्टेड वोट हो गए या फिर पोल वोट हो गए ओके अब इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी है वेन टेन परसेंट ऑफ द पोल्ड वोट वर इनवैलिड अब ये पोल्ड वोट हो गए इसके दस परसेंट क्या है इनवैलिड है तो अस्सी का दस परसेंट कितना होता है आठ होता है तो अस्सी में से आठ परसेंट क्या हो गए इनवैलिड हो गए तो बचे कितने परसेंट सेवेंटी टू परसेंट सेवेंटी टू परसेंट क्या हो गए आपके वैलिड वोट कहला गए ओके okay, अभी वैलिड वोट का ही मेन काम रहता है यहाँ पे अब क्या बोला गया फर्स्ट केस में इफ द कैंडिडेट विद द सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स गेट्स द वोट इक्वल टू द एवरेज ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ ईच कैंडिडेट्स अब देखिए टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं आपके 72% है अब बोला गया जो सेकंड लीस्ट कैंडिडेट है सेकंड लीस्ट कैंडिडेट कौन है ये मिडल वाला इसको क्या मिले एवरेज मिले किसके टोटल वैलिड वोट के तो 72 का एवरेज निकालोगे अब एवरेज तीन लोगों में बटेगा तो डिवाइड बाय थ्री कर दिया तो इसको कितना मिला 24 वोट किसको मिल गया डायरेक्टली इस बी को मिल गए तो 24 किसके पास आ गए बी के पास आ गए ओके okay? अब नेक्स्ट में एक और सेंटेंस दिया है नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इनवैलिड वोट कितने हैं आठ है ना अब ये जो आठ इनवैलिड वोट है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोर वोट विनर कैंडिडेट गॉड फ्रॉम द कैंडिडेट विथ लीस्ट वोट लीस्ट वोट किसके पास है इसके पास विनिंग कैंडिडेट के पास कितने हैं आपको अभी पता नहीं है लेकिन इसमें हिंट क्या वोट का आ रहा है, वोट का आ रहा है ये भी आपको एक केस दे दिया अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है वॉट परसेंट ऑफ द टोटल वोट द विनिंग कैंडिडेट गेट अब आपको बताना है ए के पास कितने वोट्स आए हैं तो देखिए आपकी दो इक्वेशन यहाँ से बन रही है पहली इक्वेशन देखिए ए Minus -c a minus c मतलब a विनिंग पार्टी और ये क्या है लूजिंग पार्टी या फिर लीस्ट पार्टी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है 8% का आ रहा है पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई ओके अब दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी a plus b plus c ये 72 के बराबर ही होगा क्योंकि ये 72 वैलिड वोट है यही तो आपस में इन तीनों को बटा होगा तो a plus b प्लस सी ये किसके बराबर आ रहा है, है, आपकी? 24 है. तो ये, तो 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 ये कितना आ गया फोर्टी एट परसेंट आ गया ओके तो आपकी दो इक्वेशन क्या बनी पहली इक्वेशन बनी ए माइनस सी ये किसके बराबर आ रहा है एट परसेंट के बराबर आ रहा है और ए प्लस सी ये वाली इक्वेशन से ए प्लस सी मिला ये किसके बराबर आ रहा है आपका 48 के बराबर आ रहा है दोनों को आप ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा तो टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी फिफ्टी सिक्स परसेंट के बराबर आ जाएगी तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ट्वेंटी एट परसेंट के बराबर आ जाएगी तो ए को कितने वोट्स मिल रहे होंगे टोटल वैलिड वोट्स के ट्वेंटी एट परसेंट मिल रहे होंगे तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई नॉट डिफाइन ओके अगर यहाँ पे ट्वेंटी रहता तो वही क्या हो जाता आपका करेक्ट आंसर क्लियर थैंक्स फॉर वॉचिंग